कलम यहाँ पे थे कि मोशनल ईएमआई में वो मैंने स्पोक्स वाला करवा दिया था आपको, कितनी स्पोक्स आ जाओ रिम और एक्सल के बीच में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद। तीसरा जो चीज थी दैट वाज कि थीटा को वेरी करके भी आप फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बना सकते हैं। देखो कल तक हम दो चीजें सीख चुके हैं, पहले एक काम बी को चेंज किया, बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो कैसे ईएमएफ निकालते हैं। दूसरा काम अगर मूव करा के वायर को मूव करा के फिर आप एरिया चेंज कर रहे हो तो बात अलग है। तीसरी चीज है उसको घुमा देंगे, एरिया को वैसे चेंज नहीं करेंगे, घुमा देंगे लूप को, तो उससे कैसे फ्लक्स चेंज होगा, किस तरह से यहां पे लिखा जाएगा वो हम देखेंगे। सपोज मान लो ये कोई लूप है, ये इस बोर्ड के पीछे है जो मैं डैश से दिखा रहा हूं, इस तरह का कोई लूप है यहां पे और कुछ हिस्सा बोर्ड के आगे ये है, तो एरिया वेक्टर लूप के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं इसमें एरिया वेक्टर लिखना चाहूं तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ बनेगा, ए वेक्टर। मान लो लूप में एन आपको दिए हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एन दे रखा है, एरिया वेक्टर आगे की तरफ है और किसी बी में मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आगे की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैं एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसे घुमाना स्टार्ट कर दूं इस एक्सिस के अबाउट, ओमेगा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के अबाउट, तो आप देखो ना तो बी चेंज हो रहा ना लूप का एरिया चेंज हो रहा, लेकिन बी और ए के बीच का एंगल चेंज होगा। मान लो बी तो आगे है पर एरिया वेक्टर जैसे जैसे लूप घूमेगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन टर्न होती जाएगी, जैसे जैसे लूप घूमेगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन टर्न होती जाएगी और बी तो आगे ही है, इसका मतलब यहां पे बी और एरिया फिक्स है, ओनली क्या चीज चेंज हो रही है, थीटा चेंज हो रहा है, बी और ए के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। जो हमारा फ्लक्स का इन जनरल हम फॉर्मूला लेते थे, प्लेन लूप है बी यूनिफॉर्म है तो बी इंटू ए इंटू कोस थीटा, और अगर एन टर्न्स हो तो एक टर्न में से इतना तो एन टर्न्स में से इतना हो जाएगा। अब ये सारी चीजें तो कॉन्स्टेंट है, ये तो चेंज हो ही नहीं रही है, ओनली वेरिएबल कौन है थीटा, थीटा टाइम के साथ वेरी करेगा। और अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, शुरू में बताओ, शुरू में डायग्राम देख के बताओ बी और ए के बीच का एंगल कितना है, स्टार्टिंग में 0 डिग्री। तो किसी टी टाइम में ओमेगा का मतलब है यूनिट टाइम में इतना एंगल घूम जाएगा, तो टी टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा एरिया, ओमेगा इंटू टी, तो जो थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना वो बना एन बी ए और इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी, एन बी ए इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी, तो ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, यानी कि अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो यहां पे कोई ना कोई ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ इज जनरेटेड। ये तीसरा तरीका है। देखो पहला तरीका था आप मैग्नेट को लूप के पास ले जा रहे थे यानी कि आपने बी को चेंज किया, दूसरा तरीका था एक फिक्स फ्रेम में लूप की एक वायर को आप मूव करा रहे थे यानी कि आपने ए को चेंज किया, उसमें सीधा ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता था या फिर ए को आप घुमा के भी चेंज कर सकते थे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वो मैंने सिखाया आपको। अब तीसरा मेथड, ना तो एरिया चेंज कर रहे हैं ना बी चेंज कर रहे हैं लेकिन इनको घुमा रहे हैं तो उससे इनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है। ये लूप ऐसे था तो एरिया आगे था, आप इस लूप को घुमाओगे तो लूप के एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बी पे कोई फर्क पड़ा, लेकिन बी और ए के बीच का एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं ये बताओ इसके घूमने से। ठीक है, एंगल चेंज हो रहा है, कितना चेंज होगा एंगल, शुरू में एट टी बराबर 0, आप यहां देखो जो डायग्राम है एट टी इक्वल टू 0
बी और ए के बीच का एंगल है जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे बी और ए के बीच का एंगल है जीरो। तो किसी टी टाइम में, कल भी सिखाया था ये शायद उसमें, कि अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है तो टी टाइम में ओमेगा टी टर्न कर चुका होगा, इतने एंगल से टर्न कर चुका होगा। तो टी टाइम बाद जो एंगल होगा वो लूप का एरिया अंदर की तरफ गया, बी आगे है, तो जो एंगल होगा उनके बीच का दैट विल बी ओमेगा इंटू टी। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए यानी कि बी इंटू ए इंटू कोस थीटा, और अगर एन टर्न्स है तो एक टर्न में इतना, तो एन टर्न्स में से इंटू एन हो जाएगा। अब थीटा किसी भी टी टाइम पे एट टाइम टी जो थीटा है बी और ए के बीच का वो इतना हो चुका है, बी और ए के बीच का थीटा इतना हो चुका है। तो आपने ये थीटा की वैल्यू इसमें रखी, तो बताओ क्या फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है कि नहीं, ठीक है। और अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू ईएमआई। अब ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। जैसे हमने मोटर पढ़ी थी, मोटर, ऐसे ही एक तरह से ये जो हम जो ईएमआई में ये वाला काम कर रहे हैं, जनरेटर में यही यूज किया जाता है, इसी से बिजली बनाई जाती है, जनरेटर में यही यूज किया जाएगा, इसी से बिजली बनाई जाएगी। अब देखो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये कैसे निकाले हम, उसका तरीका देखिए आप। बाय डेफिनेशन ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बाई डीटी। अब अगर आप ये फाई की वैल्यू इसमें रखेंगे तो एनबीए तो कांस्टेंट है, E बराबर एन बी ए तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डी वाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। चलो इतना डिफरेंशिएशन पता नहीं आपको आता है कि नहीं, चेन रूल हमने कभी यूज किया है कि नहीं, बट मैं बता देता हूं यहां पे कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन यहां टी है और यहां ओमेगा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो T के साथ जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर आके मल्टीप्लाई होगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। ये चेन रूल है जो आप क्वेश्चन में सीख रहे होंगे कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये जो डिफरेंशिएशन आएगा E इज इक्वल टू, एक तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, एक माइनस बाहर आएगा, कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस बी ए ओमेगा एन, ये सब तो बाहर आ गया, और इन टू कोस की जगह हो जाएगा साइन ओमेगा टी। माइनस बी ए, माइनस साइन कुछ नहीं बताता, माइनस साइन बस यही बता रहा है कभी कि ये ईएमएफ उसको अपोज करने के लिए आ रहा होगा और ये कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। तो जो क्या 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 दो बार कहां गया, दो बार कहां है, बाहर एक बार है, मैंने क्या कहा, एक डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है। चलो आपको चेन रूल ही सिखाता हूं फिर थोड़ा बहुत, अगर यहां जरूरत ही पड़ रही है तो। देखिए मुझे निकालना है d बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। एक फॉर्मूला होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स दिस इज माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां x है तो यहां भी x ही होना चाहिए। इसमें यहां तो t है और यहां क्या है, यहां क्या है, ओमेगा t, तो कुछ एक्स्ट्रा है ना कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहां पे चेन रूल का यूज किया जाता है। क्या है तरीका, सुनिए, लेट ओमेगा t बराबर u, हमने माना कि ओमेगा t कुछ भी u है, दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा t That is equal to d by dt of u. दोनों साइड मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और वो ये बन गया, ठीक है। यहां से ओमेगा बाहर आया, ओमेगा बाहर आ गया, dt by dt वो वन हो जाएगा, बराबर du by dt, ये आपका है। अब यहां से dt बताओ, dt कितना आ रहा है, dt that is equal to du upon omega। एक बार बताइए ये स्टेप क्लियर हुए यहां तक, ठीक है, हाँ भाई कोई डाउट है क्या, इन दोबारा सुनो, मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे, दोबारा बोलना क्या क्या पूछा आपने, ये कैसे लिखा, देखो यहां तक स्टेप क्लियर है, यहां तक ये जो मैंने किया है।
अब ओमेगा एक कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और अंदर बचा dt by dt बराबर du by dt, dt by dt 1 होता है, तो आप बताओ ओमेगा du by dt आ गया कि नहीं। और यहां से मैंने निकाला dt, dt कितना आ गया, du by ओमेगा, क्लियर है ये पूरा, ठीक है। अब मुझे ये सॉल्व करना है, चेन रूल में आपको सिखा रहा हूं ये क्या होता है। आप इसमें सारा u में बदल दो, सारा आप u में बदल दो, कैसे, डी वाई डी टी, डी टी की जगह क्या लिख देंगे, डी टी की जगह क्या लिखेंगे, डी यू वाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला गया, ठीक है, और कोस ऑफ ओमेगा टी की जगह u, कोस ऑफ ओमेगा टी की जगह u। अब देखिए यहां भी u है और यहां भी u है, तो dx वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, तो यू का यू के रेस्पेक्ट में माइनस साइन यू, तो ये बन गया माइनस बाहर ओमेगा साइन यू, और यू की वैल्यू वापस पुट कर दो, यू क्या माना था आपने, यू क्या माना था, ओमेगा टी, तो ये आया माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अब इसकी वैल्यू मैं ला चुका हूं, ये यहां यूज कीजिए, इसकी वैल्यू जो आप यहां यूज करेंगे तो एक तो माइनस साइन बाहर आया, आप जो बोल रहे थे ना एक और ओमेगा दो बार क्यों आ गया, वो इसलिए आ गया कि इस डिफरेंशिएशन में ओमेगा बाहर निकल के आया, तो एक ओमेगा बाहर आया, एक माइनस साइन बाहर आया, और अंदर बचा केवल साइन ओमेगा टी। अभी बताओ क्या ये डिफरेंशिएशन समझ में आया, कैसे किया हमने चेन रूल, ठीक है, और इसकी डिटेल 11 12th में सीख रहे होंगे आप मैथमेटिक्स में, बाकी ये इस तरह से होता है। चलिए अब देखो जो दो एक्सप्रेशन आए मैं उनकी बात करता हूं, जो दो मेरे पास एक्सप्रेशन चल के आए, एक तरह से जनरेटर चल रहा है टॉपिक, जनरेटर का हमने नाम नहीं लिया है लेकिन उसकी पूरा प्रिंसिपल वर्किंग ऐसी होता है उसमें। अब देखो फ्लक्स जो हमने लिखा था वो था एन बी ए कोस ओमेगा टी, एन बी ए कोस ओमेगा टी, जो ईएमएफ आया उसका फॉर्मूला आया माइनस बी ए ओमेगा एन, ये तो बाहर है, इंटू साइन ओमेगा टी। अब मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूं कि ये क्या कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है, वो चीज ग्राफिकली समझते हैं। देखो मान लो मैं एक तो विद टाइम फ्लक्स का ग्राफ बनाऊं और एक उसी के साथ कंपेयर करते हुए ईएमएफ कितना जनरेट हो गया उसका ग्राफ बनाऊं, तो फ्लक्स के ग्राफ में यूं बताओ कोस आ रहा है कि साइन आ रहा है, यहां देख के बताओ, और बाहर प्लस है कि माइनस है, बाहर प्लस। अब चार बातें याद करो ग्राफ की, अब चार बातें, अगर साइन है तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा और कोस है तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, पहले तो इनकी लिमिट बना लो। देखो इसके बाहर है एनबीए, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, एनबीए ऊपर और एनबीए नीचे, क्योंकि क्योंकि जो कोस होता है वो वन और माइनस वन के बीच में ही जा सकता है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो ये आपने लिमिट बना दी कि ये एनबीए और ये माइनस एनबीए। ऐसे ही ईएमएफ वाले में बीए ओमेगा एन, तो लिमिट बना दो भाई ऊपर बीए ओमेगा एन और नीचे बीए ओमेगा एन, कौन सा, हाँ हाँ साइन थीटा और कोस थीटा की लिमिट होती है वन से माइनस वन, तो ज्यादा से ज्यादा ये वन होंगे, कम से कम माइनस वन, तो इनकी लिमिट है, जो बाहर जो लिखा होता है वो लिमिटिंग वैल्यू होती है, साइन हो चाहे कोस हो, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल है ये ग्राफ, समझिए आप ध्यान से, पहले आपने लिमिट बना ली, अब देखो ग्राफ कैसे जाएगा, अगर साइन है तो जीरो से स्टार्ट होगा, अगर कोस है तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, अगर प्लस के साथ साइन है तो जीरो से ऊपर जाएगा, माइनस के साथ साइन है तो जीरो से नीचे जाएगा, अगर प्लस के साथ कोस है तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, और माइनस के साथ कोस है तो नेगेटिव एक्सट्रीम से। क्या ये चार बातें समझ में आ रही है? देखो दोबारा सुन लीजिए, अगर साइन है तो जीरो से स्टार्ट होगा, प्लस के साथ साइन है तो ऊपर जाएगा, माइनस के साथ साइन है तो नीचे जाएगा, अगर कोस है तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, प्लस के साथ कोस है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से, और माइनस के साथ कोस है तो नेगेटिव एक्सट्रीम से। तो आप बताओ पहले फ्लक्स वाला ग्राफ बताओ, साइन है कि कोस है,
और बार प्लस तो बताओ कहां से स्टार्ट करें इसे, कहां से? पॉजिटिव एक्सट्रीम से। और ये ग्राफ होता है, इनको साइनोसोइडल कर्व बोलते हैं, इस तरह का ये ग्राफ चलेगा। ये एक साइकिल कंप्लीट होगी, एक साइकिल जहां कंप्लीट होती है वो टाइम पीरियड होता है टी, और टी और ओमेगा का ये रिलेशन, ये तो आप शायद मुझे लगता है नाइन्थ क्लास से पढ़ के आए होते हैं, टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा। आया ना समझ में क्या है? ठीक है, सेम यही साइकिल फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी ऐसी, और ये टाइम आपका टू टी हो जाएगा। तो ये तो आपका ग्राफ बना फ्लक्स का। अब मैं बताता हूं जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसका ग्राफ क्या बनेगा। हाँ जी बताओ, ईएमएफ का एक्सप्रेशन देख के कहां से स्टार्ट करें पहली बार? ओरिजिन से, क्योंकि साइन है, क्योंकि साइन है। और ऊपर जाएगा पहले या नीचे आएगा? नीचे, क्योंकि ये माइनस है। टाइम पीरियड दोनों ग्राफ का सेम है, क्यों सेम है? क्योंकि यहां भी ओमेगा आ रहा है और यहां भी ओमेगा आ रहा है, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है, टू पाई बाय ओमेगा। अब ये ग्राफ जितनी देर में ये आधा हुआ उतनी देर में ये भी आधा होगा, टी बाई टू। मैं आगे वाली साइकिल को हटा रहा हूं, बस हम एक साइकिल को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए ये आपका है टी बाई टू और ये है टी, ये इस तरह की साइकिल थी, लेकिन ये यहां से और नीचे स्टार्ट होगी, तो ये आधी साइकिल आते आते यहां पूरी होगी और फिर आधी साइकिल जाते जाते यहां पूरी होगी। अब आप बताओ क्या आपको फ्लक्स और ईएमएफ दोनों के ग्राफ बनाने आ गए हैं इस जनरेटर में? ये अभी दोनों ही यही बने हुए हैं, देख लो आप दोनों ही देख लो। पहली बात, क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आए कि नहीं आए? एक्सप्रेशन ठीक है। अब सुनो, कोस हो या साइन हो, उनका ग्राफ वन से माइनस वन के बीच में जाता है, और अगर कोई बार मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस फाइव से माइनस फाइव इनके बीच में रहेगा। हमने लिमिट लगा दी, इसके बाहर एनबीए है तो एनबीए ऊपर माइनस एनबीए नीचे, यहां बी ओमेगा एन है तो बी ओमेगा एन ऊपर और माइनस बी ओमेगा एन ये माइनस है, माइनस बी ओमेगा एन नीचे। फिर अगर साइन है तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, कोस है तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। साइन में बाहर प्लस होता तो ऊपर जाता ग्राफ, माइनस है तो पहले नीचे आएगा। कोस में बाहर प्लस है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, और कोस में बाहर माइनस है तो नेगेटिव एक्सट्रीम से। तो पहला ग्राफ फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? देखिए कोस है और बाहर प्लस है, कोस है और बाहर प्लस है, तो कहां से स्टार्ट करें हम? पॉजिटिव एक्सट्रीम से। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में दोबारा वही पहुंच जाना चाहिए ग्राफ, पूरी एक साइकिल। तो वन फोर्थ टाइम में ये जीरो पे आएगा, अगले वन फोर्थ में यहां चला गया, अगले वन फोर्थ में यहां, और अगले वन फोर्थ में यहां। ये बताओ क्या पहला ग्राफ आ गया समझ में? पहला ग्राफ आ गया समझ में? इसके बाद दोबारा यही साइकिल रिपीट होगी, यही से फिर दोबारा से रिपीट होगी ऐसे ऐसे जो भी है, ठीक है, टू टी टाइम हो जाएगा। ये इधर देखो ईएमएफ, इसमें साइन है तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, और बाहर माइनस लगाए तो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। जीरो से स्टार्ट होगा और माइनस एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, मतलब नेगेटिव लगाए तो माइनस की तरफ। ये आपका ग्राफ हो गया, और इतने टाइम में ये कंप्लीट होना है जितने टाइम में ये, तो एक साइकिल पूरी होनी चाहिए, तो आधी पॉजिटिव होगी एंड देन आधी नेगेटिव होगी। इसमें भी क्या है, ये हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल है, तो ये बचाओ हाफ साइकिल है, तो पूरा इतना ही पार्ट हो रहा है। ये बताओ क्या दोनों ग्राफ आपको बनाने आ गए कि नहीं, साइन और कोस के? ठीक है, एक्चुअली दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। मैंने आपको बिना जनरेटर नाम लिए कि जनरेटर में एक कोयल घुमानी पड़ेगी। देखो मोटर में अलग था, एक बार आप एक चीज समझो, मोटर में आप बाहर से सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई, मोटर में आप बाहर से इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और एक करंट कैरिंग लूप को, एक करंट कैरिंग लूप को छोड़ देते हैं फील्ड में, एक करंट कैरिंग लूप को आप छोड़ देते हैं फील्ड में। तो हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो उस पर फोर्स लगेगा जिससे टॉर्क बनेगा जिससे वो घूमना स्टार्ट कर देगी, घूमेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी थी मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, जनरेटर में उल्टा हो रहा है, जनरेटर में कोई करंट हमने नहीं दिया, कोयल को घुमाया है। कोयल को कैसे घुमाया है? मैकेनिकली घुमाया है, बाहर से डीजल वगैरह डाल के या कैसे भी डाल के उसको घुमाया है। कोयल जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी तो अपने आप वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा जिससे करंट आएगा, यानी कि यहां पे मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, क्या ये इतना आया क्या समझ में यहां तक जो मैंने बताया? ठीक है,
अब बताओ अगर आपसे पूछा जाए मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? लेफ्ट हैंड रूल, वहां फोर्स निकालना होता है। और जनरेटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल, क्योंकि यहां पे आपको करंट निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा कि कितना होगा कितना नहीं। अच्छा अब देखो जनरेटर की एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन, और ये तो मैं अभी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ये जो आपने अभी पढ़ा है इस पे। जैसे इस पे क्या होता है कि बच्चे ये जो जनरेटर वगैरह सीखते हैं इससे अल्टरनेटिव मेथड भी सीख जाते हैं कि भाई थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। जैसे मान लो आप एक साइकिल है, बाइसिकल है, स्टैंड पे लगा रखी है। क्या आजकल ऐसी साइकिल आती है कि नहीं, वो स्टैंड पे लगा के और फिर आप पेडल घुमा सकते हैं उसका? हाँ भाई साइकिल वाइकिल होंगी आपके पास, क्या आजकल ऐसी साइकिल आती है कि उसको स्टैंड पे लगा दिया और फिर आप बैठ के बस पेडल घुमा रहे हो, टायर घुमा जा रहा है? ठीक है, क्योंकि जो साइड स्टैंड होता है उसमें तो ऐसा हो नहीं पाता, पर वो जो ठीक है सुनो, मान लो कि ऐसी बाइसिकल है वो आपने स्टेशनरी है, वो रुकी हुई है और आप उस पर पेडलिंग कर रहे हैं जिससे आप उसका टायर घुमा रहे हैं। अब उसके जो पेडल है मान लो वो एक कोयल के साथ अटैच है, एक कोयल आपको दे दी, उसमें 100 टर्न है और कुछ उसका एरिया है, एक कोयल आपको दे दी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिए 100 एंड जो एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर, ये दे दिए नंबर ऑफ टर्न्स 100, 0.1 मीटर स्क्वायर, और ये बोला है द कोयल रोटेट्स एट हाफ ए रिवोल्यूशन। कैसे रोटेट कर रही होगी? आप टायर घुमा रहे हैं उसके साथ वो कोयल अटैच कर रखी है, तो आपके टायर के घूमने से किसी तरह से वो कोयल रोटेट की जा रही है। कैसे भी आपने एक ऐसा अरेंजमेंट बना लिया और कोयल की रोटेशन दे रखी है कि किस तरह हो रही है, हाफ ए रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब आपको ये बोला गया है कि वो जो कोयल घूम रही है इट इज रिवॉल्विंग एट हाफ ए रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इस तरह से ये रोटेट करे, मतलब आधे सेकंड में ना, एक सेकंड में आधा रिवोल्यूशन होता है, इतना दिया गया आपको, ठीक है। और मान लो जहां कोयल घूम रही वहां एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.01 टेस्ला का, जहां कोयल घूम रही है वहां एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.01 टेस्ला का। किस तरह से है? यू मान लो कि जो फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कोयल, जो फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कोयल। कैसे है देखिए, इसमें बना के दिखाता हूं मैं। मान लीजिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कोयल, ये तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कोयल, इसके अबाउट ये घूम रही है ओमेगा से, साइकिल के टायर घुमाने से घूमे जा रही है, इसके अबाउट ये घूम रही है ओमेगा से, और आपने बी लगा रखा है मान लीजिए आगे की तरफ, ये एंगल है 90 डिग्री। हाँ भाई अब बताओ क्या ये अरेंजमेंट समझ में आ गया है कि यहां तक क्या दिया गया है? देखो मैं किसी तरह साइकिल को घुमा रहा हूं, उससे ये जो एक कोयल है ये यूं घूमे जा रही है, यूं से सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगल हो, यूं घूमे जा रही है इस तरह से, एक ही टर्न नहीं हूं, और बी लगा रखा है आगे की तरफ, ये है नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, एरिया दे दिया, बी दे दिया, और ये दिया है कि कोयल हाफ ए रिवोल्यूशन पर सेकेंड से रोटेट कर रही है। अब आपसे पूछा गया है कि आप इसमें निकालो व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कोयल। मान लो मुझे ये बताना कि व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कोयल। सपोज ये चीज आपको निकालनी है, एक बार इन एक्सप्रेशंस को देख के बताओ कि ये मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं। ना ईएमएफ तो पूरा है, उसमें भी क्या पूछना चाह रहा है वो बताओ आप, जल्दी बताओ क्योंकि फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी, ये मैसेज भी आ चुका था थोड़ी देर पहले। मैक्सिमम वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ईएमएफ ही वोल्टेज है यहां पे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी? अभी ग्राफ बनाया था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंच रही है?
ये जो वोल्टेज जनरेट हो रही है जो ई मैक्सिमम की प्लस वन नहीं, क्या बाहर अभी ग्राफ नहीं बनाया था हमने बी ए ओमेगा एन, तो जो ई मैक्स होगा ई मैक्स दैट विल बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू एन। आप सारी वैल्यूज पुट करें, सारी वैल्यूज पुट करवाएं इसमें बी ए ओमेगा एन में क्या क्या वैल्यूज है। बी कितना 0.01, ए कितना ए ये रहा यहां 0.1, ओमेगा कितना ओमेगा इस चीज को देख के बताओ ओमेगा कितना है, इसको देख के हाफ ए रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बताइए। भाई आधा रिवॉल्यूशन अगर हुआ तो कितने रेडियन एंगल घूम गया वो, देखो ओमेगा होता है थीटा बाई टी, ओमेगा होता है थीटा बाई टी, हाँ सही बताया आपने। अगर आधा रिवॉल्यूशन घूम रहा है तो इसका मतलब कितने रेडियन घूम गया वो, पाई रेडियन एक सेकंड में, तो यानी कि ओमेगा आ गया पाई रेडियन पर सेकंड, ओमेगा आ गया पाई रेडियन पर सेकंड, पाई मतलब 3.14। हाँ भाई क्लियर हो रहे हैं 3.14, और एन कितना है नंबर ऑफ टर्म्स 100, तो 100 से ये खत्म, तो ये देखो आप 0.314 वोल्ट। असल में वैल्यूज इतनी प्रॉपर सेलेक्ट की गई है कि इतना सा ही ईएमएफ जनरेट होगा। घर में तो 220 वोल्ट सप्लाई आती है क्योंकि घर में सप्लाई देने वाले पावर हाउस के बड़े बड़े जनरेटर्स हैं, हम तो साइकिल के साथ अटैच करके थोड़ी बिजली बनाना चाह रहे थे, तो इस तरीके से भी हल्की फुल्की बिजली बनाई जा सकती है। कैसे मतलब ये जो तरीका है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपको ये बताता है कि पावर जनरेशन के कुछ अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज भी हैं। जब भी बच्चे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं स्कूलों में, जैसे 8th 9th 10th में आप किसी साइंस क्विज और इस तरह की चीजों में जाते हैं, तो वहां पे साइंस एग्जीबिशन में प्रोजेक्ट्स जाते हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान जाता है बच्चों का कि बिजली बनाई जाए, हल्की बिजली बनाई जाए, इससे कोई घर का काम नहीं चलेगा लेकिन एक छोटा सा बल्ब तो ऑन हो ही सकता है, छोटा सा बल्ब थोड़ी सी देर के लिए। तो ये कुछ अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज हैं, और ये इसलिए भी अच्छे सवाल है, कल को आप भाई देखो 10th में ही थोड़ी रहना है, हमें ग्रेजुएशन करनी आगे 12th के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, क्या पता आप लोग रिसर्च लाइन में जाएं, साइंटिस्ट बने, तो इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपको करने आने चाहिए वहां पे। बट अभी तो हम क्वेश्चन की तरीके से वो पढ़ रहे हैं, आप बताओ क्या ये समझ में आ गया कि नहीं ये मैंने जो अभी सिखाया आपको। ठीक है, ऐसा कोई सवाल? हाँ जी, ना ना जो हल्का वो बल्ब नहीं होता है, कौन सा बल्ब दिखाऊं आपको, मेरे पास तो अभी है भी नहीं इसमें, अरे यार टॉर्च बल्ब होते हैं, छोटे बल्ब नहीं होते क्या, टॉर्च बल्ब जो होते हैं। गुड मॉर्निंग सर, हाँ जी सर, तो देखो सर बता रहे कि पहले सर ने बनाए भी हैं, देखे भी हैं कि किस तरह से, तो मैं आपको वही चीज थ्योरेटिकली बता रहा हूं कि कैसे ये न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है। ठीक है, और ये बात आप, हाँ जी सर आप ले लो ये क्लास, कोई बात नहीं, थैंक यू, मैं तो खत्म करता हूं।